హైదరాబాద్ పాత బస్తీ చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయాన్ని దర్శించుకున్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య. తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం రావడం ఖాయమని, ఏర్పడిన తర్వాత హైదరాబాద్ పేరుని మార్చేస్తామన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన మాట్లాడిన మాటలు కలకలం రేపుతున్నాయి. माताजी के चरणों में प्रार्थना किया हूँ कि माताजी मुझे बार बार दर्शन के लिए बुलावें, पूरे देश को दर्शन के लिए बुलावें, और जो हमारे तेलंगाना राज्य के लोग हैं उन्हें भी उत्तर प्रदेश में जो तमाम हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, चाहे अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, वहाँ वो आवें, हम उनके स्वागत के लिए तैयार. और माता जी के पास तो हर पुत्र, हर संतान उनकी जा सकता है, और हर देशवासी, हर बच्चा बच्चा उनकी संतान स्वरूप है. मैं तो जीवन में बहुत बार चाहता था, लेकिन प्रथम बार आज दर्शन किया हूँ. तो माँ तो दर्शन के लिए जब बुलाती है तभी कोई आ पाता है. तो बीजेपी के हैं चाहे वह किसी अन्य दल के होंगे, लेकिन माँ के चरणों में प्रार्थना करने का अधिकार सभी को है. मैं एक माँ के भक्त के रूप में माँ के चरणों में प्रणाम करने और आशीर्वाद मांगने के लिए आया था. यह सच है कि हम तेलंगाना में कमल का फूल खिलाना चाहते हैं.